आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11 साइंस के दो गेस पेपर का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये हमारे पास एक गेस पेपर है जो कि 11 साइंस का है, और ये जो गेस पेपर है ये भी हमारे पास 11 साइंस का ही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों गेस पेपर है यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गेस पेपर आपके लिए अच्छा है, कौन सा गेस पेपर खराब है, आपको कौन सा गेस पेपर लेना चाहिए, कौन सा गेस पेपर आपको नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज बताने वाला हूं। और देखिए मार्केट में आगे आपका और बहुत सारा गेस पेपर आने वाला है, तो आपको वो लेना चाहिए या फिर ये सब लेना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आपको किस किस चीज का और किस तरह का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसी तरह का वीडियो देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का जो एप्लीकेशन है सुपर कंसेप्ट क्लासेस अगर उसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, जल्दी से डाउनलोड करिए, एकदम फ्री है, वहां पर जाकर आप लोग टेस्ट दीजिए, जिससे क्या होगा आपका तैयारी बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से होगा, एकदम नंबर वन तैयारी होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों बुक्स का रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक का रिव्यू देखते हैं, देख लीजिए। और ये जो बुक है ये हमारे 2022 का आप लोग देख पा रहे हैं, अंजना पब्लिकेशन का है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज गाइड विद क्वेश्चन बैंक। क्लियर है, यहां पर जो भी मतलब चैप्टर वाइज यहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहां पर लिखा है कि 11वीं वार्षिक परीक्षा के लिए, और यहां पर साइंस है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम का है। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा देख लीजिए, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर मिलने वाला है। इस बुक के अंदर आपको जैक द्वारा 2019 और 2020 में आयोजित 11वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर भी दिए हुए हैं। मतलब 2019 और 2020 में जो परीक्षा हुआ था ना क्लास 11 का, उसका मतलब समझ के क्वेश्चन बैंक टाइप का दिया है, 2019 और 20 का क्वेश्चन भी दिया है, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी दिया है। चलिए बुक के अंदर चलते हैं। और ये जो आपका बुक है ये आपके दोनों टर्म के लिए काम आने वाला है, टर्म वन टर्म टू दोनों के लिए। तो देखिए अगर आप देखेंगे इसके कंटेंट्स को, तो देख लीजिए सबसे पहले आप इसको कंटेंट्स को देखिए क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2020 वाला जो था मैंने आपको बताया, 2019 वाला जो क्वेश्चन बैंक उस चीज़ दिया गया है। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं देख लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इधर तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो आपका पूछा गया है 2020 वाला ये चीज़ दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का है यहाँ पर। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट आपका है हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और साथ ही साथ सोल्यूशन दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख लीजिए हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है। चलिए मैं आगे ले चलता हूं और आपको कंप्लीट दिखाता हूं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलिए और देखिए दो ईयर का दिया गया है, 2019 का, 2020 का, दोनों का दिया गया है। और यहाँ से देखिए साथ आपका यहाँ पर से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इंग्लिश कोर है, यहाँ पर आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर आपका ए फोटोग्राफ है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, देख लीजिए कि किस प्रकार से है, क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर मॉडल सेट दिया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन का मतलब पूछा जाने वाला है, फिजिक्स का मॉडल सेट यहाँ पर दिया हुआ है, केमिस्ट्री का दिया है, मैथ का दिया है, हर एक चीज़ जो आपको पढ़ना है। फिजिक्स का बात करें, देखिए यहाँ पर चैप्टर वन है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो चीज़ें पढ़ने का हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। और आगे देखिए क्या क्या दिया गया है, और यहाँ पर आपको आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और दिया गया जैसे मोशन इन ए प्लेन, हर एक चीज़ दिया गया है, मतलब यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का दिया गया है, हर एक चैप्टर, आपको टेंशन नहीं लेना। जो आपको पढ़ना है, जो 70% आपका जो सिलेबस है, 75% जो आपका सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक को बनाया गया, मतलब टर्म वन और टर्म टू के दोनों के लिए मतलब है ये चीज़। और यहाँ पर केवल आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या है, जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और अच्छे तरीके से दिया गया, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए इस किताब को, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बायोलॉजी वगैरह हर एक चीज बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चंस यहां पर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैथमेटिक्स का बात करें, देखिए मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हर एक चीज को सजाया गया है। आगे देखिए आपका आगे क्या है,
तो बस कुछ इस प्रकार से ये जो किताब है, ये किताब हमारा कुछ इसी प्रकार से है, हर एक चीज दिया गया है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं मार्केट से, इसका दाम है 120 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 120 तो पड़ेगा नहीं, वही शायद आपका करीबन करीबन मान के चलिए 80 रुपया या 80-90 रुपया पड़ेगा इस बुक का दाम, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए खराब है। तो चलिए चलते हम लोग सेकंड बुक की ओर। मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दिखा दिया, सेकंड बुक में हम लोग आते हैं। देखिए सेकंड बुक जो है हमारा SBPD पब्लिकेशन का है, जो कि आप जानते होंगे ये आपका क्या है, एग्जाम स्कोरर है, ठीक है। फॉर टर्म वन एंड टर्म टू दोनों के लिए है, आपका साइंस के लिए है, क्लास 11th के लिए है, और जो चीज़ें यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर है देख लीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश कोर है और हिंदी कोर है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या दिया गया। हाँ, और एक इस बुक किताब की खासियत है कि क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज MCQ दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 5 मॉडल पेपर्स जो कि यहाँ पर एकदम आंसर के साथ दिया हुआ है, 5 मॉडल पेपर दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर ये 5 मॉडल पेपर कौन सा है, तो बस ये किताब बलाई, मतलब इसे यहाँ पर जनरेट क्या है, किताब बलाई क्या है, मतलब कोई अलग से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्या है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, यहाँ पर जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ दिया गया है, जो कि एक अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का नहीं दिया गया है, जो जो सब्जेक्ट का आया है वही का दिया गया है, जैसे कि हिंदी कोर है, इंग्लिश कोर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए आगे, और आपका यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी, बस इतना का ही दिया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है क्या क्या, जैसे कंटेंट्स अगर आप देखेंगे तो हिंदी कोर का पहले तो 5 मॉडल पेपर दिया गया है, फिर जो भी मतलब यहाँ पर आपका किताब का जो चीज़ रहेगा वो चीज़ दिया गया, फिर आपको यहाँ पर OMR शीट भी दिया गया, देख लीजिए इसके अंदर आइए आपको पता चलेगा, कुछ इस प्रकार से दिया गया है देख लीजिए, ठीक है। हिंदी कोर का कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये दिया गया है आपका हिंदी कोर का, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है, देखिए यहाँ से आपका मॉडल पेपर 1 है, इसी प्रकार से यहाँ पर 5-5 करके मॉडल पेपर दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का। ये तो हो गया हिंदी, ये सब तो नॉर्मली हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मली है, जो कि आपको हर एक गेस पेपर में मिलेगा, जो कि आर्ट्स में मिलेगा, साइंस में मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स देखिए क्या पहला चैप्टर की फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है, यहाँ पर आपका लो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर का है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है कि किसका कौन वाला आंसर होने वाला है। फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ इस प्रकार से देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे, अगर आपका फिजिक्स के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केमिस्ट्री का, देखिए आगे कौन सा सब्जेक्ट आपका दिया गया है देख लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर फिजिक्स का तो मॉडल पेपर दिया गया है 5 यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर देखिए ये जो क्या आपका 2020 में जो पूछा गया था ना, ये चीज़ भी यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए 2020 में ये सब चीज़ पूछा गया था, 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का कुछ कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया है कि किसका कौन वाला आंसर होने वाला है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए कुछ इस प्रकार से हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सर, बुक बहुत ही अच्छा है, दोनों बुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन कौन वाला सबसे अच्छा है ना अभी आपको पता चलेगा। ये सब चीज़ तो हो गया, केमिस्ट्री का भी यहाँ पर भरपूर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है, देख लीजिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर ये 1 है आपका, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका ये मॉडल पेपर 2 हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 मॉडल पेपर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत ही बेनिफिट वाला चीज़ है। तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर भी दिया गया है। फिर आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री जो 2020 में जो पूछा गया था ना, देख लीजिए आप, ठीक है, 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। फिर यहाँ से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, बायोलॉजी में भी हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से दिया गया है, बायोलॉजी भी आपका हो जाता है। फिर बायोलॉजी के बाद यहाँ पर आपका मैथ दिया गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, सेट थ्योरी पहले दिया गया है, सेट है यहाँ पर आपका, फिर हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस भी दिया गया है, देखिए ये आपका कंप्यूटर साइंस का रहा, तो हर एक चीज़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, अब ये मैंने आपको दोनों बुक दिखा दिया, ये भी वाला भी बुक दिखा दिया और ये वाला भी बुक दिखा दिया। अब बात करें कि सर कौन वाला बुक अच्छा है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों बुक अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि एक अच्छा तो दोनों है लेकिन सबसे अच्छा सबसे खराब, ये चीज होता है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर ओपनली बात करूं, तो देखिए अगर हमें इसका सबसे पहले बात करूं SBPD का, अगर मैं बात करूं तो देखिए SBPD में क्या होता है, जो आंसर दिया जाता है ना उतना गलती नहीं होता है,
गलती नहीं होता बल्कि सही होता है, क्योंकि SBPDA एक बड़ा मतलब पब्लिकेशन होता है, मतलब इसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। तो अगर इस बुक का बात करूं मैं, तो इसके अंदर जितने भी सॉल्यूशन है, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस किसी का भी हो, तो सॉल्यूशन में ज़्यादा गलती यहाँ पर नहीं होने वाला। देखिए एक दो गलती हो ही जाता है, वो छोड़िए, एक दो गलती किसी से भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस बुक में आपको गलती कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मतलब थोड़ा हाई है, क्योंकि जिस प्रकार से जैक बोर्ड का जो लेवल है अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेवल हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब मैं बात करूं तो ये बुक भी आपका जैक का ही है, देख लीजिए जैक रांची लिखा हुआ है। तो खैर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन अच्छा बुक है। अगर मैं दोनों बुक का कंपेयर करूं तो ये बुक, ये वाला जो है ना SBPDA वाला, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें गलती थोड़ा कम है। और अगर मैं इस बुक का बात करूं, देखिए इसमें क्या होता है, अंजना वाला में क्या होता है, थोड़ा मतलब गलती होता है, थोड़ा गलती होता है, लेकिन देखिए एक दो गलती तो सभी से होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में भी, इसमें भी गलती नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें गलती होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस बुक का अंजना वाला का, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, क्वेश्चन का जो लेवल है, आपका जो मॉडल पेपर आया हुआ है ना, बस उसी लेवल का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप मॉडल पेपर से अगर मिलाकर देखेंगे ना इस बुक को, तो यहाँ सबका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा ये अंजना वाला से, अंजना वाला से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा, जबकि आपका SBPDA वाला यहाँ से आपका कम क्वेश्चन टच करेगा। तो बस यहीं पर एक मतलब मेजर डिफरेंस है जो आप बोल सकते हैं। तो अगर आप ये बुक लेते हैं तब भी अच्छा है, अगर आप ये बुक लेते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों बुक का, तो यहाँ पर लेवल इसका अच्छा है क्वेश्चन, अगर आपको केवल एग्जाम पास करना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको और कुछ सीखना भी है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इसमें सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा परेशानी है, आपको सोचना है, विचार करना है, फिर आपको आंसर को लिखना है। तो बस ये था हमारा दो बुक का रिव्यू। और अगर मैं इस बुक का मैं बात करूं प्राइस का, तो चलिए मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूं कि इसका प्राइस क्या है, देख लीजिए इसका प्राइस। देखिए यहां पर लिखा गया है आपका 285 रुपया, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए इसका अगर मैं प्राइस का बात करूं, देखिए साफ साफ लिखा गया कितना, 285 रुपया। तो ये इस बुक का थोड़ा दाम आपको ज़्यादा पड़ने वाला है, 285 रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका बुक थोड़ा, ये जो बुक है ना, इसका दाम थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, इसका दाम थोड़ा आपको कम लगने वाला है। तो बस आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बुक लेना है, और वर्मा गेस पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा साइंस का, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं जैसे मार्केट जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जैसे भी होगा आपको मतलब नोटिफिकेशन अपडेट जो भी होगा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।